दोस्तों आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन भले ही कल रात खत्म हो चुका हो, पर अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना के फैंस का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी, भला रैना जैसे खूंखार बल्लेबाज को कौन टीम से बाहर रखना चाहेगा। लेकिन यही सच है, अब आईपीएल 2022 में हमें रैना की बल्लेबाजी नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि इस बार उन्हें किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। लेकिन इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथ ने इस बार नीलामी में सुरेश रैना पर दांव नहीं लगाने की असल वजह बताई है। दरअसल विश्वनाथ के मुताबिक वर्तमान टीम में रैना फिट नहीं बैठ पाते, इसलिए टीम ने उन्हें नहीं चुना। विश्वनाथ ने बताया, पिछले 12 सालों में सीएसके के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वालों में एक नाम सुरेश रैना भी हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए रैना को टीम में नहीं लेना बड़ा मुश्किल भरा फैसला था, लेकिन साथ ही आपको यह समझना होगा कि टीम को चुनने का आधार वर्तमान फॉर्म होती है। इसके साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि एक फ्रेंचाइजी किस तरह की टीम बनाना चाहती है और उसे किस तरह के खिलाड़ियों की जरूरत है। वैसे चेन्नई ने इस बार रैना ही नहीं, फाफ डु प्लेसिस को भी अपनी टीम में शामिल नहीं किया। हालांकि फाफ ने पिछले सीजन में दमदार बल्लेबाजी कर टीम को टाइटल दिलाने में खास भूमिका अदा की थी, पर इस पर भी विश्वनाथन ने कहा, वह पिछले एक दशक से हमारे साथ थे, हम उन्हें मिस करेंगे, लेकिन यह नीलामी की प्रक्रिया और डायनामिक्स होते हैं। तो इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथ ने क्रिकेट फैंस को समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल क्रिकेट पोस्ट को अभी सब्सक्राइब करें।